जितेंद्र सिंह जी, भूपेन बोरा जी, साइकिया जी, जयराम रमेश जी, रॉकीबुल हुसैन जी, गौरव गोगोई जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, अब्दुल खालिक जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता भाइयों और बहनों, असम के प्यारे युवा, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप? पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था, जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है उसको मिटाने का था। 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले, हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। और जब हम कश्मीर पहुंचे, यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया कि एक तरफ नफरत और हिंसा और दूसरी तरफ भाईचारा और मोहब्बत। यात्रा में से, यात्रा के अंदर से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो नारा पूरे देश में गूंजा। लोगों ने हमें कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, मगर बीजेपी ने तो मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, ओडिशा में नफरत फैला रखी है, उसका क्या होगा? इसीलिए इस साल हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। और जो हमने पिछली यात्रा में कहा वही हम इस यात्रा में कह रहे हैं। यह भाईचारे का देश है, यह नफरत का देश नहीं है, यह अहिंसा का देश है, हिंसा का देश नहीं है। और आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मणिपुर में, अरुणाचल, नागालैंड, असम में लाखों लोग सड़कों पे आए और लाखों लोगों ने यह कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं, हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि नफरत
और हिंसा तभी होती है जब देश में अन्याय होता है। जब देश में न्याय होता है, परिवार में न्याय होता है, शहर में न्याय होता है, तो नफरत और हिंसा वहां नहीं दिखाई देती है। अब मैं असम की बात करना चाहता हूं। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो, कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का। उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के। अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के। सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे, कभी कोर्ट केस
यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे। उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। आज सुबह मैं भाषण दे रहा था, मैंने भाषण में वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है, और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा ये गमुचा का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने मुझे बताया ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं, और यह आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है इसका भी यही लक्ष्य है। कि हम जो आपके चीफ और बीजेपी ने असम में गंध फैला रखा है, उस गंध को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। और कैसे मिटाएंगे? असम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। उन्होंने हमारी यात्रा पर हिंसा की, नारे लगवाए, हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता है, हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और असम मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। हम चाहते हैं कि असम को असम से चलाया जाए। कांग्रेस पार्टी के यहां पे चीफ मिनिस्टर हुए हैं गोगोई जी, सेकिया जी, और चीफ मिनिस्टर हुए हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर्स को असम को कैसे चलाना है यह कभी नहीं बताया। हमारे चीफ मिनिस्टर असम को असम से चलाते हैं, गुवाहाटी से चलाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जिस दिन आपके चीफ मिनिस्टर ने असम की बात की, उस दिन अमित शाह जी आपके चीफ मिनिस्टर को गद्दी से उठा के फेंक देंगे। एक मिनट लगेगा,
क्योंकि कंट्रोल है। इतना अन्याय किया है आपके चीफ मिनिस्टर ने कि दो मिनट में अगर नागपुर से ऑर्डर आए, दिल्ली से ऑर्डर आए, आपके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो असम को आज असम नहीं चला रहा है, असम को आज दिल्ली से चलाया जा रहा है। और जो भी दिल्ली और नागपुर चाहते हैं वो असम में होगा। दिल्ली और नागपुर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असम की संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है, वो उसे परे कर देना चाहते हैं। जो नागपुर कहता है, जो दिल्ली कहता है, वो असम में होना चाहिए। यह विचारधारा में फर्क है। हम आपकी भाषा की रक्षा करते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपके जीने का तरीका, उसका हम रक्षा करते हैं। और वो असम पर आक्रमण कर रहे हैं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी है। एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल ऑर्डर लेके एक मिनट में कर देते हैं, चुनाव में उनकी मदद करते हैं। और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है, असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। और हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है, लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। और बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा। यह मैसेज मैं आपको देना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी और पिछले 5-6 दिन आप हमारे साथ चले, आपने अपने विचार रखे, इतना प्यार दिया मुझे, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी मुद्दा हो, दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, कोई भी मेरे लायक काम हो, मेरी यहां जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, आप मुझे असम बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, नफरत के पीछे डर होता है। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इनके दिल में से जो नफरत निकलती है उसके पीछे डर छुपा हुआ है।
हम नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ते हैं। हम नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है और जो डर है उससे लड़ते हैं। तो हम उनके डर और उनके दिल में जो नफरत है हम उनसे लड़ तो हम उनके दिल में जो डर है जो नफरत है उससे लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? मोहब्बत से लड़ते हैं। मोहब्बत नफरत और डर को काट सकती है। तो हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लव यू। এতিয়া মই এটা শ্লোগান দিম, পতাকাবিলাক দাঙি ল'ব। মই কম ৰাহুল গান্ধী আপ আগে বাঢ়িয়ে, আপোনালোকে ক'ব আসাম আপকা সাথে। ৰাহুল গান্ধী আপ আগে বাঢ়িয়ে, ৰাহুল গান্ধী আপ আগে বাঢ়িয়ে, আৰু জোৰছে ক'ব আসাম আপকা সাথে। ৰাহুল গান্ধী আপ আগে বাঢ়িয়ে, ৰাহুল গান্ধী আপ আগে বাঢ়িয়ে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। সভা ভঙ্গ বলে ঘোষণা করেছো।